बांगे दरा चैनल पेश कर रहा है शायर मशरक हजरत इल्लामा इकबाल के कलाम की तशरीह वीडियोस। हम किताब बाले जिब्रील के किस्सा दोम पर हैं और आज हमारे जेर तशरीह हिस्सा दोम का टुकड़ा नंबर 59 है। फकर के हैं मोजजात ताजो सरीर और सिपाह, फकर है मीरों का मीर, फकर है शाहों का शाह। ताजो सरीर और सिपाह मुराद ताजो तख्त और सिपाह फकर के करिश्मे हैं। फकर है मीरों का मीर, फकर है शाहों का शाह, मुराद फकर सरदारों का सरदार और बादशाहों का बादशाह है। इल्म का मकसूद है पाकी और अकल और खिरत, इल्म का मकसूद है पाकी और अकल और खिरत। फकर का मकसूद है इफ्फत कल्बो निगाह। इल्म का मकसद ये है कि अकल और खिरत से पाकिजगी और जला पैदा हो जाए, और फकर का मकसूद है इफ्फत कल्ब व निगाह, मुराद फकर दिलो निगाह को पाक करना चाहता है। इल्म फकीह और हकीम, फिक्र मसीह और कलीम, इल्म है जो याए रा, फकर है दानाए रा। इल्म फकीह और हकीम मुराद इल्म आलिम और फलसफी की दौलत है। फकर मसीह और कलीम मुराद फकर हजरत ईसा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मता यानी दौलत है। इल्म है जो याए रा यानी इल्म रास्ता तलाश करता रहता है। फकर है दानायरा मुराद है कि फकर रास्ता जानता है। फकर मकाम नजर, इल्म मकाम खबर, फकर में मस्ती सवाब, इल्म में मस्ती गुना। फकर इंसान को उस मकाम पर पहुंचा देता है जहां वो सब कुछ अपनी निगाहों से देख लेता है, जबकि इल्म कुछ दिखा नहीं सकता, वो सिर्फ बता सकता है। फकर में मस्ती और बेखुदी सवाब का बाइस है, जबकि इल्म में मस्ती और बेखुदी गुनाह का। इल्म का मौजूद और फकर का मौजूद और, इल्म का मौजूद और फकर का मौजूद और, अशहदु अल्ला इलाह, अशहदु अल्ला इलाह। इल्म के नजदीक मौजूद का तसव्वुर और है और फकर के नजदीक कुछ और है। अगरचे दोनों अशहदु अल्ला इलाह पढ़ते हैं, यानी मैं गवाही देता हूं कि नहीं कोई माबूद, लेकिन दोनों का मतलब और मफहूम अलग अलग होता है। चढ़ती है जब फकर की शान पर तेगे खुदी, चढ़ती है जब फकर की शान पर तेगे खुदी, एक सिपाही की जरब करती है कारे सिपा। जब खुदी की तलवार फकर की शान पर चढ़कर तेज होती है तो एक सिपाही की जरब पूरे लश्कर का काम सर अंजाम देती है। दिल अगर इस खाक में जिंदा और बेदार हो, दिल अगर इस खाक में जिंदा और बेदार हो, तेरी निगाह तोड़ दे आयना महर ओ मा। तेरे खाकी जिस्म में अगर जिंदा और बेदार दिल मौजूद हो तो तेरी नजर सूरज और चांद के आईने तोड़ कर रख दे। ये था बाले जिब्रील के ऐसा दोम का टुकड़ा नंबर 59। अपना ख्याल रखिए और अब इस पैगाम को फैलाने में हमारा साथ दीजिए।